Ставлю банан. बीजेपी सीनियर लीडर, आज हमने यहाँ दौरा किया है राठौर महाराज साहब, जो मॉडल करार दिया गया है गवर्नर साहब ने, तो उसने हमें यहाँ पे इनविटेशन दी थी कि आप हमारे इलाके का दौरा कीजिए कि मैंने वहाँ पे कुछ किया है या नहीं किया है। मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा है, लोगों से पूछा है, वो तकरीबन मैंने यहाँ पे 30-25 सड़कों का मायना किया है। तकरीबन 200-300 लोगों को मैंने यहाँ पूछा है कि वाकई इसने ऐसा काम किया है जो काम आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया है। आप खुद भी देख सकते हैं, अभी भी यहाँ मैग्नमलाइजेशन हो रही है, आपके सामने वो काम चल रहा है। इसके अलावा जितने भी कोचे हमने देखे हैं, या तो वो मैग्नमलाइज्ड किए गए हैं या तो इन पे टाइल बिछाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिजली का देखा है हमने, हर एक घर के सामने एक नया खम्बा और नई तार लगाई गई है। और इसके अलावा हमने एक बंदे से पूछा कि इस साल यहाँ शाली बनी है या नहीं बनी है, तो उसने बड़ी तारीफ करके महाराज साहब की बड़ी तारीफ की है कि अगर इसने ये सोलर पंप यहाँ पे नहीं लगाए होते तो यहाँ पे शाली का कोई इम्कान ही नहीं था। इसके कारण, महाराज साहब के कारण ही इस गांव में बहुत शाली यहाँ पैदा हो गई है। देखिये, आज मैंने अपने सीनियर लीडर, जो बीजेपी के बेसिक यहाँ लीडर माने जाते हैं, खान साहब ने काफी काम किया है पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत की है और 10-12 साल से पार्टी के साथ इसको मैंने अपने गांव में लाया और अपनी टोला में दिखाई। यहाँ पे मैग्नमाइज का काम चल रहा था तो लोगों से मिले और खुद इसने अपनी जबानी कहा कि मैंने कितना काम किया और भी करने की जरूरत है। अभी यहाँ पे पार्क भी बन रही है, स्टेडियम भी बन रहा है और इलेक्ट्रिक पोल हर घर मैंने लगाए और ट्रांसफार्म 10-12 लगाए है और करने की जरूरत है। और ये वही गाँव है जहाँ से मैं रोड मॉडल करा दिया गया हूँ। इन गाँव ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, जब भी मुझे जरूरत इनकी पड़ी, लेकिन जब भी इनको मेरी जरूरत है मैं दिन रात इनके लिए मेहनत का। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ अपने डीसी साहब को, जिसने यहाँ पे आके ही बांडीपुरा में काम स्टार्ट करवाए डेवलपमेंट का, जिसका मैं बेताज बादशाह कहूंगा, और आरएनबी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक्जन साहब का, एडब्ल्यू जेई साहब का। तो ये एक फैमिली होती है, फैमिली में कहीं ना कहीं कहीं किसी जगह आपस में दूरियां होती है, लेकिन हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, सरपंचों के साथ है, तो तब ये मुमकिन हो सकता है।